बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जेडीयू समेत अन्य खेमों ने तैयारियों का दौर भी शुरू कर दिया है। तभी तो नीतीश कुमार G20 की बैठक की डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद पटना लौटते ही सोमवार और मंगलवार को एक अणे मार्ग में जदयू से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मंथन करने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार ने अपने अलग अलग संगठनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल G20 की बैठक से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुलाकात को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस बैठक से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रखंड से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों की मजबूती और कमजोरी का पता चलेगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अगर समय से पहले चुनाव होता है तो जदयू की तैयारी कैसी होगी, इसे लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक के दौरान नीतीश कुमार को न सिर्फ बहुमूल्य सुझाव मिलेंगे बल्कि नीतीश कुमार पार्टी पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे जो पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। दो दिनों तक चलने वाली बैठक में पहले नीतीश कुमार जदयू के 11 प्रमंडल पदाधिकारी और 51 जिला अध्यक्षों के साथ आज बैठक करेंगे। वहीं दूसरे दिन 12 सितंबर को जदयू के 243 विधानसभा प्रभारी और 534 प्रखंड प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। जाहिर है कि नीतीश कुमार के जिन पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है उनके ऊपर जदयू की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनसे अधिक जमीनी हकीकत कोई नहीं जानता है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी नीतीश कुमार पार्टी के तमाम लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ साथ पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ बैठक कर फीडबैक ले चुके हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने विधायक MLC के साथ साथ पूर्व विधायकों और पूर्व MLC के साथ भी बैठक कर जानकारी ली है।